नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुखतम टेलीविजन 24x7 न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। सिलीगुड़ी हीमोफेलिया सोसाइटी की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जाने माने डॉक्टर सैकत चटर्जी मौजूद थे। इसके अलावा संस्था के अध्यक्ष ने भी इस कार्यक्रम के विषय में अपनी विस्तृत जानकारी दी है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी हीमोफेलिया सोसाइटी एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जो निःशुल्क रूप से सभी के हित में कार्य करती है। खासतौर पर यह हित में कार्य करती है हीमोफेलिया से जुड़े मरीजों के लिए। चलिए आपको ले चलते हैं उस कार्यक्रम में। I'm Dr. Saikat Datta. I'm a clinical hematologist working in Anandalok Hospital. And today here with Siliguri Hemophilia Society, we have organized a hemophilia awareness program. Hemophilia is a genetic disorder which causes excessive bleeding and bleeding from different places and bleeding with minor cut injury. There are excessive bleeding. And we are here to spread awareness and breaking some myths about this disease and discuss about this disease so population in North Bengal would able to know the what the hemophilia disease is and how to get treated, how to get appropriate treatment, what to do when a patient is bleeding excessively and how to manage their patient in home. So we are discussing this issue with hemophilia patient and their family member are already in here. We are starting this program in short. Thank you. मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हीमोफीलिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। हमारे ब्लड में 13 फैक्टर्स होते हैं जिसमें अगर किसी पेशेंट को फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है तो वो हीमोफीलिया ए नाम से जाना जाता है। एंड किसी पेशेंट के अगर बॉडी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है तो वो पेशेंट हीमोफीलिया बी पेशेंट नाम से जाना जाता है। एंड ये डिजीज़ बेसिकली लड़के को होती है। एंड मान लीजिए इंडिया में एवरी 10,000 में एक लड़के को हेमोफीलिया होने की संभावना है। एंड बहुत ही रेयर केस में ये लेडीज़ को भी होती है। एंड ये जेनेटिक है। इसमें जो लड़का होता है वो सफरर होता है एंड वुमेन जो होती है वो करियर होती है। यानी और ये एक्स लिंक से रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें हमारे बॉडी में एक जेंट्स की बॉडी में एक्स एंड वाई को क्रोमोसोम होता है एंड लेडीज़ की बॉडी में दो एक्स होता है जिसमें एक एक्स इस डिजीज़ से ग्रसित होता है। अगर किसी जेंट्स को हेमोफीलिया होती है यानी कि अगर वो सफरर होता है तो उसका वन एक्स डिफेक्टिव होता है यानी कि हेमोफीलिया से ग्रसित होता है। अगर वो किसी फीमेल को बर्थ देता है, किसी लड़की को बर्थ देता है और वो हमें एक जेंट्स के पास हमेशा एक एक्स होता है तो एक फीमेल के लिए वो हमेशा अपना एक्स को फॉरवर्ड करता है तो वो लेडी एज वो इफेक्टेड एक्स से होती है तो वो 100% करियर होती है। अच्छा, हेमोफीलिया में कई सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बर्थ के बाद अगर बॉडी में कोई ब्रूइज आता है ब्लू एंड ब्लैक तरह का तो वो भी हेमोफीलिया हो सकता है। एंड अगर कोई बच्चा पेन के साथ पेन की शिकायत करता है, उसके मसल और जॉइंट्स में अगर स्वेलिंग होती है एंड अगर उसको किसी की वजह से कट जाता है और वो ब्लड नहीं रुकता है तो हम उसको हेमोफीलिया होने की संभावना मानते हैं। उसके लिए कई टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा ये पता चलता है कि वो व्यक्ति हेमोफीलिया से ग्रसित है या नहीं है। अच्छा, हेमोफीलिया के ट्रीटमेंट में हमें मैनेजमेंट का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एंड हम हमेशा फिजियोथेरेपी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो बच्चा फिजियोथेरेपी नॉर्मली दिन में दो बार या एक बार करता है तो वो कम इफेक्टेड होता है, उसको कम ब्लीड होता है, कम प्रॉब्लम होती है। एंड इसकी जो मेडिसिन आती है जिसको हम फैक्टर बोलते हैं एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, वो देने पे कुछ टाइम के लिए बॉडी में जो डेफिशिएंसी है वो कवर हो जाती है बट बहुत ही कम टाइम के लिए। एंड ये जो फैक्टर ये बहुत ही महंगा आता है। एक साधारण अंडर प्रिविलेज्ड एंड मिडिल क्लास या मैं बोलूँगी हाई क्लास के लिए भी शायद अफोर्ड करना उतना ईजी नहीं होता है। तो हम यही चाहेंगे कि फैक्टर के साथ साथ मैनेजमेंट के द्वारा बच्चा या उसके पेरेंट्स नॉलेज लेके उसको एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए प्रेरित करें।
ऐसे तो सिलीगुड़ी में ये संस्था 2000 से है एंड हम लोग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत भी है एंड मेरा टेन्योर लास्ट मार्च से ही शुरू हुआ है। अभी हमारे पास नॉर्थ बंगाल से करीबन 150 पेशेंट्स है जिसमें दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, अलीपुर द्वार, कुच बिहार, सिक्किम, बिहार आदि से पेशेंट है जो हमारी संस्था में रजिस्टर्ड है। हम यंग जेनरेशन को ये बोलना चाहेंगे कि हमारा जो मेन संस्था है HFI या सरकार का जो आंकड़ा है उससे ये पता चलता है कि अभी तक सिर्फ 1/3 पेशेंट डायग्नोस है और 2/3 पेशेंट अभी भी डिस्ट्रेस्ड है। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ सहयोग करके हेमोफीलिया के बारे में जानें और डिस्ट्रेस पेशेंट को आगे लाने के लिए हमें सहायता करें ताकि उनको हम रीच आउट करके उनको ट्रीटमेंट एंड कैसे मैनेजमेंट किया जाता है उनको हम उस फील्ड में हेल्प आउट कर सके। আমার যখন জন্ম হয় 1996 সালে তার কিছুদিন পরেই মানে 1 থেকে 1.5 বছর বয়সে আমার মা বলতেন আমার শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ফোলা থাকতো আর কোথাও সামান্য আঘাত লেগে গেলে সেখানে প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর ফোলা হতো। সেই নিয়ে আমি যখন আমাকে কোচবিহার হসপিটালে নিয়ে যেত তখন প্রাথমিকভাবে সেখানে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট আর কিছু ব্যথার ওষুধ দিয়ে সেখান থেকে ছেড়ে দিত। 8 বছর বয়সে আমার যখন সিরিয়াস গাম ব্লিড হয়, দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ছিল, তখন আমাকে কোচবিহার হসপিটাল থেকে রক্ত পরীক্ষার জন্য বলেন। সেই রক্ত পরীক্ষায় দেখতে পাওয়া যায় যে আমার ফ্যাক্টর 8 ডেফিসিয়েন্সি রয়েছে, মানে সিভিয়ার হিমোফিলিয়া এ রয়েছে। তখন তারা আমাকে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে রেফার করে দেন। এখানে আসার পর প্লাজমা দিয়ে প্রাথমিকভাবে সেই ব্লিডিংটাকে বন্ধ করে দেন এবং পরে তারা আমাকে জানান যে এই রোগের একমাত্র ট্রিটমেন্ট ফ্যাক্টর 8, যেটা খুব দামি, ব্যয়বহুল। এখন আমি মোটামুটি বেশ ভালোই আছি, একজন সাধারণ মানুষের মতোই জীবনযাপন করছি। সবটাই আমার যে ফিজিওথেরাপি আছে এক্সারসাইজের উপর। সবার জন্য একটাই মেসেজ আমার যে শুধু ফ্যাক্টর 8 আমাদের ট্রিটমেন্টের জন্য ঠিক আছে, কিন্তু সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস, এক্সারসাইজ, আর প্রয়োজন হলে সুইমিং মানে সাঁতার কাটা আর সাইক্লিং, এগুলো খুব দরকারি। गर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9 8 3 2 8 3 2 8 11।